ओम शांति। 19 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली, जिसमें आज प्यारे बाबा विशेष तौर पर साइलेंस का बल और साइंस का बल दोनों की तुलना कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा बल कैसे श्रेष्ठ है और संपूर्ण निर्विकारी बनने की विधि समझा रहे हैं। महावीर बच्चों को उनका कर्तव्य याद दिला रहे, अंतिम समय की पहचान और ईश्वरीय सेवा का महत्व समझाते हुए बाबा ने मन मनाभव के महामंत्र की कमाल बताई। बाबा के इन महावाक्यों को ठीक से समझ पाए उसके लिए एकाग्र हो जाएं अपने आत्मस्वरूप पर। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस देह की मालिक, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, भगवान वाच सुनती हूँ, अंतर की आंख से देखती हूँ भगवान को, जो निराकार महाज्योति हैं, जो ब्रह्मा के ललाट पर जगमगाते हैं, जो आबू की पहाड़ी पर अवतरित होते हैं, जो स्वयं ज्ञान सागर हैं, ब्रह्मा मुख से ईश्वरीय वाणी उच्चारण कर रहे हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो खुशी ऐसी चीज है जो अंदर से हल्का रखती है और याद के लिए ऊपर जाना होता है। हल्के ऊपर चले जाते हैं और जितना याद करेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे, आत्मा एनर्जाइज होगी, जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य जमा हो जाए, इतने पुण्य कर लेगी। तो क्या करना, खुशी में रहना और याद की यात्रा से पुण्य के बल जमा करने हैं। फिर आज बाबा ने हमें बताया कि हमारे सर्वेंट कौन से हैं। ये नेचुरल कैलेमिटीज, साइंस के इन्वेंशंस क्या करेंगे, ये एक बहुत अच्छा काम करेंगे, सारे विश्व का किचड़ा साफ करेंगे, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय है। सारे संसार में बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई है, उसकी सफाई हो तो नवयुग आए। तो बाबा ने कहा है, ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम है, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में आ जाती है इस सफाई के बाद। तो इसलिए कभी भी प्रकृति का आपदाएं हों और कुछ भी विज्ञान के साधनों से नुकसान हो, विनाशकारी कार्य हो, उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि सफाई हो रही है। फिर बाबा ने राजयोग के बल की करामात बताई कि ये राजयोग है। कोई बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग भी होता है। बैरिस्टर बनने वाला अपने बैरिस्टर रूप से या पढ़ाने वाले से योग लगाता है, सर्जरी सीखने वाला सर्जन से योग लगाता। तो जिससे योग लगाते हैं वैसे बन जाएंगे। ये है राजयोग, जिसमें हम भगवान से योग लगाते हैं तो उनके गुण शक्तियां हमारे में आते हैं। भगवानों वाच, मैं बहुत जन्मों के अंत में इन में ब्रह्मा में बैठ तुम बच्चों को राजयोग की नॉलेज देता हूँ। ये राजयोग की पढ़ाई बहुत सहज है, यही पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है।
करना क्या इसमें, तुम सिर्फ बेहद के बाप को पहचानो, पहचान कर याद करते ना, और बेहद की राजाई ले लो। इस पहचान में इतनी ताकत है, आत्मा इतनी काबिल बन जाती है जो राज पाले स्वर्ग का, तो तुम उठते बैठते इस पुरानी दुनिया को भूल बाप को याद करो और राजाई को याद करो। तो ये याद का रिजल्ट है जो राज मिलता है। इस योग बल से ही फिर तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम तो लगता है, कोई कोई के तो नसीब में नहीं है तो 10% भी योग नहीं लगाते, इसलिए पाप नहीं कटते। नए नए बच्चे कई बार झट अच्छे योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं। तो अब हमें इस राजयोग की करामात को समझते हुए अच्छा योग लगाकर अच्छी तरह से अपने विकर्म विनाश करने हैं और राजाई के लायक बनना है। फिर बाबा आज हमें संपूर्ण निर्विकारी बनने की विधि समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चे जब तुम स्वर्गवासी थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे, बड़े धनवान थे, फिर आधा कल्प बाद देह अभिमान में आकर तुमने माया से हार खा ली। माया की ऐसी तोप लगती है तो एकदम गटर में गिर पड़ते हो। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आत्मा विकारों के वश होकर इतनी मैली हो जाती है जैसे कि गंदगी पूरी भर जाती है, तो ये कोई सुख थोड़ी है। विकारों का आत्मा मैली होती है, उससे देवताओं की रहनी करनी देखो कैसे है। अब तुम स्वर्ग के बदले नरक के मालिक बन पड़ते हो विकारों से, तो देवताओं के कंपैरेटिवली कितना डाउन हो जाते हैं। अभी बाप समझाते हैं, मैं 5000 वर्ष पहले माफिक, तुम बच्चों को रौरव नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। उसी की बाबा विधि बता रहे हैं, इसलिए बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, गंदी बातें ना सुनो ना बोलो। तो रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या तुम नहीं बनेंगे? तो हम बाबा को क्या जवाब देंगे? आप आए हैं बनाने, हम क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए, तुम काम पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन 21 जन्मों के लिए निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो आज हमको गांठ बांधनी होगी कि हमारा विकार का कोई छोटा अंश भी बाकी है, उसको समाप्त करके ही छोड़ेंगे। फिर बाबा महावीर बच्चों का कर्तव्य समझा रहे हैं कि रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना, तुमको गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया तो एक दूसरे में लड़ती झगड़ती रहती है, कितनी लड़ाई मारा मारी है, और तुम्हारी लड़ाई किससे है? 5 विकारों के साथ युद्ध है तुम्हारा। तुम बच्चे कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, सिर्फ देह का भान तोड़ते हो। तुम देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बन रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाकर विश्व में शांति का राज्य स्थापन करते हो।
जहाँ शांति दुख रोग का नाम निशान नहीं होता, ऐसा राज्य योग लगाकर स्थापन कर लेते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे घर में रहते हो तो भी पहले ये याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं है। इसी से महावीर पना आ जाएगा और हम 5 विकारों को लड़कर समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा वंडरफुल युद्ध है। सोल कॉन्शियस होके बाबा की याद से विकारों को जीतना, यही महावीर पना है। फिर बाबा अंतिम समय की पहचान दे रहे हैं कि बच्चे अभी पुरुषोत्तम संगम युग लीप युग है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तुम्हें 84 जन्मों का चक्र पूरा करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है, बाकी थोड़ा समय है। इस दुनिया का सब खत्म हो जाने वाला है, मनुष्य बॉम्ब आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो घर बैठे सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई हैं, कहाँ तक रखेंगे? वे साइंस बल से सारी दुनिया को खल्लास कर देंगे और तुम बच्चे घर बैठे योग बल से शांति स्थापन कर रहे हो। वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए बॉम्ब लगाते हैं, तुम साइलेंस के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त करते हो उससे आत्मा पावन बनती है, विश्व का मालिक बन सकती है। तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवेड बाप को कितना याद करना चाहिए जिनसे इतना पावन बनने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर बाबा ईश्वरीय सेवा का शौक रखने के लिए कह रहे हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हमारे शहर में चलो। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। गाया भी जाता है, फादर शोज सन, तुम सबको समझाओ कि जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में कितना जोर लगाया भगवान को ढूंढने का। आज स्वयं सतगुरु आकर कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। इसलिए कहते हैं, सतगुरु अकाल मूर्त है, उनको कभी कोई काल नहीं खाता है। वह सतगुरु कालों का काल है। अभी तुम उनकी श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए अमर लोक सतयुग के मालिक बनते हो। पर करना क्या है? सेवा का शौक धारण करना है कि सब का कल्याण करें, बाबा का शो करें कि बाबा कैसे गुरुओं का गुरु अकाल मूर्त काल के पंजे से छुड़ाने आए हैं। ये हर आत्मा को बताकर उनका कल्याण करना है। अब चलिए लेते हैं सतगुरु बाबा से वरदान। फील करेंगे अपने को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। सर्वशक्तिमान बाबा ब्रह्मा बाप के नयनों से झांकते हुए अपनी शक्तिशाली किरणें बरसाते हुए, ये किरणें मेरा आत्मबल बढ़ा रही है, मेरे अंदर शक्ति भरती जा रही है। बाबा का वरदान मिल रहा है। बच्चे मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है
तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं, प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाला सदा निर्बंधन रहता है। तो गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है। और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। तो क्या समझना अपने आप को, गृहस्थी नहीं ट्रस्टी, ट्रस्टी माना गृहस्थी मेरी नहीं बाबा की है। मेरा कहेंगे तो बंधन है, बाबा का कहेंगे तो निर्बंधन है। निर्बंधन है तो उड़ता पंछी है, बंधन पिंजड़ा है। तो अब हमें निर्बंधन बन उड़ती कला में जाना है और सेकंड में स्वीट होम में पहुंचने की तैयारी करनी है। तो इसके लिए चाहिए हमारा मन, मन मनाभव यानी एक बाबा में लगा हुआ, तो सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने नहीं दो, क्योंकि वो गलतियां कराती है। तो आज के बाबा के महावाक्यों से हम होमवर्क लेते हैं कि अब मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना ही है। गंदी बातें ना सुननी है, ना मुख से बोलनी है, पक्का कर लेना है। मैं आत्मा अंतिम जन्म में गुलगुल बन रही हूँ, फिर से देवी कुल में जा रही हूँ। देह अभिमान के वश कोई छी छी काम नहीं करने है, मुझे अनेक आत्माओं का कल्याण कर, सर्विस कर, बाबा का शो करना है। और निर्बंधन उड़ता पंछी बन ट्रस्टी होकर रहना है। याद रखें, मैं आत्मा निर्बंधन हूँ, कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता। ट्रस्टी होकर कर्म कर रहे हैं, उस घर से आए थे, बाबा लेने आए हैं, बस वापिस जा रहे हैं। ओम शांति।